जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वारसी एडुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास साइंस चैप्टर 18 ध्वनि तरह तरह के। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरह तरह के। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ऑप्शनल क्वेश्चन है पहला, देख सकते हैं सही विकल्प की चुनाव करना है। चलिए पहला कह रहा है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, ठोस द्रव तथा गैस माध्यम तीनों माध्यम से जाती है। ठीक है, अश्रव्य ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? अश्रव्य ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन नंबर होगा इसका? ठीक है, किसी कंपित वस्तु को अपनी माध्यम स्थिति में से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक विस्थापन कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है? ये आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ध्वनि किसी वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। क्या बनाएगा पहला में? कंपन। प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसमें क्या बनाएगा? आवृत्ति बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग नंबर में कंपित वस्तु को एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल इसमें भराएगा। ठीक है, अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, जिसे कम करने का उपाय करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या भराएगा? कम, और इसमें क्या भराएगा? शोर। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से उस भाग को पहचान कर लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ठीक है, उत्तर क्या है? ढोलक, चमड़े की सतह। ढोलक क्या होता है? चमड़ा की सतह होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? झाल क्या होता है? किनारा होता है। बांसुरी क्या होती है? जीभी होती है। एक तारा क्या होता है? तार से। सितारा तार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, आपके माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं, जिसमें आपको भी रहना है। एक मकान मुख्य सड़क के किनारे तथा दूसरा मकान सड़क से दूर एक बगीचे के पास है, जहां इसी सड़क के से एक रास्ता जाती है। आप किस मकान को खरीदने का सुझाव देंगे? उत्तर की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। हम अपने माता पिता को दूसरे मकान जो बगीचे के पास है उसे खरीदने का सुझाव देंगे, क्योंकि मुख्य सड़क पर हमेशा अवांछित ध्वनियां सुनने को मिलती रहती है। इतना ही नहीं, कुछ ध्वनि तो कभी कभी इतनी तेज बजती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, जो हमारे दिनचर्या को काफी प्रभावित करता है, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे मस्तिष्क तथा कान पर पड़ता है और हमें अनिंद्रा, चिड़चिड़ापन, बहरेपन इत्यादि का शिकार बना देता है। दूसरी तरफ बगीचा होने के कारण स्वच्छ हवा तथा वायु प्रदूषण से बचने में भी मददगार होगा। इतना ही नहीं, बगीचा होने के कारण गर्मी से भी बचाव होगा। इस प्रकार बगीचा के पास वाला मकान खरीदने का श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, अच्छा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, कह रहा है कि आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता है, क्या वह सही कार्य कर रहा है? व्याख्या कीजिए। कह रहा है मेरा मित्र जो है हमेशा मोबाइल में संगीत सुनता रहता है, वह सही कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी भी यंत्र को आराम की जरूरत होती है और लगातार काम करने से उसकी क्षमता घटती चली जाती है। हम लोगों का कान तथा दिमाग भी एक यंत्र है। अवांछित ध्वनियों से लगातार ध्वनि सुनने से तथा मोबाइल फोन
से रेडियो तरंगे भी आती जाते रहता है, परिणाम स्वरूप हमारे शारीरिक यंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, अति विनाश का कारण है, किसी भी चीज का अति करिएगा तो विनाश होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कान का निम्नांकित चित्र बनाएं तथा उसके कार्यों को लिखिए। चलिए चित्र तो ये दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, जिसे मुख्यतः तीन भाग होता है। कौन कौन? बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। कान का बाहरी भाग जो कीप की भांति होता है उसे कर्ण पल्लव कहते हैं। ये रहा, ठीक है। यह कंपित हवा को ग्रहण करती है। कंपित ध्वनि नालिकाओं के द्वारा पतली झिल्ली कर्णपटह से जा टकराती है, तब कर्णपटह भी कंपित होने लगता है, ठीक है। कर्णपटह कहाँ है तो देख सकते हैं लोग, ये रहा। ये आगे बढ़ा जाए। यह कंपन भी तीन हड्डियों द्वारा होता है, यह कंपन भी तीन हड्डियों द्वारा होता है। कितना गुना? उसको कई गुना बढ़ा देता है। ये बढ़े हुए कंपन का मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर विद्युतीय संकेत में बदल जाते हैं, जिसे स्वर्ण तंतु द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा देता है। अंत में मस्तिष्क से ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है, और इस प्रकार कान के विभिन्न अंगों से संचालन के माध्यम से हम ध्वनि सुन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप करके, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।